हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे ओल्ड मॉडल बुलेट पेट्रोल टैंक रिस्टोरेशन वीडियो। चलिए तो फिर चालू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टंकी की कंडीशन कितनी ख़राब हो चुकी है। तो सबसे पहले हम टंकी के ऊपर का जो गम रहता है वो पेट्रोल की सहायता से निकालेंगे। सभी तरफ पेट्रोल लगाए कर उसके ऊपर का जो गम रहता है वो निकालेंगे। और गम निकालने के बाद टंकी को 220 नंबर सैंडिंग पेपर से सैंडिंग करेंगे। टंकी को सैंडिंग करने के बाद टंकी के ऊपर हम एसडी की पुट्टी अप्लाई करेंगे। पुट्टी जहाँ जहाँ स्क्रैचेस और खड्डे होते हैं उसमें अप्लाई करेंगे। पुट्टी सूखने के बाद हम पुट्टी को 150 नंबर सैंडिंग पेपर से सैंडिंग करेंगे और फिनिशिंग देंगे। उसके बाद हम टंकी के ऊपर जहाँ जहाँ पुट्टी अप्लाई की थी वहाँ पर एसडी की लांबी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम टंकी के ऊपर कैसे लांबी अप्लाई करनी है। आपको भी वैसे ही टंकी के ऊपर लांबी अप्लाई करना है। लांबी सूखने के बाद उसको हम 600 नंबर सैंडिंग पेपर से सैंडिंग करेंगे और फिनिशिंग देंगे। और उसके बाद हम टंकी के ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। अब हम टंकी के ऊपर एसडी का ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम टंकी के ऊपर कैसे ब्लैक कलर अप्लाई कर रहे हैं। ब्लैक कलर अप्लाई करने के बाद उसको एक दिन सुखाने के बाद उसको 1000 नंबर सैंडिंग पेपर से सैंडिंग कर कर उसके ऊपर रेडियम अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रेडियम अप्लाई कर दिया है। अब हम टंकी के ऊपर कोटिंग अप्लाई करेंगे। कोटिंग अप्लाई करने के लिए उसमें हार्डनर मिक्स करेंगे। उससे क्या होता है कि हमने जो कोटिंग अप्लाई किया होता है वो जल्दी सूखता है। हमारी टंकी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी टंकी बंद कर कैसे दिख रही है। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।